दोस्तों नमस्कार। इस समय हम भोपाल में हैं और आज हम एक बहुत ही विवादित मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिससे कि देश भर में ट्रेंडिंग मुद्दा है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत एक फिल्म आई हुई है जिसका नाम पठान रखा गया है। पठान फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो विवादित हैं, दर्शकों का और देशी जनता का ऐसा कहना है। अभी जो टीज़र लॉन्च हुआ है और जो वीडियो आ रहे हैं उसमें आपत्तिजनक दृश्य हैं, तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मूवी के बारे में उनका क्या विज़न है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरीषा परवीन और मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से हूँ। तो जैसा कि सर पूछ रहे हैं कि पठान मूवी का आपका क्या रिव्यू है, तो मेरा ये रिव्यू है कि जैसा कि हिंदू कमेटी इससे विरोध कर रही है, वैसा ही मुस्लिम कमेटी भी विरोध कर सकती है। जस्ट बिकॉज ऑफ आप देखा जाओ तो जो भगवा रंग है वो हमारे मुस्लिम में उसको चिश्ती रंग भी देखा जाता है, तो वैसा तो विरोध दोनों ही कमेटी कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म में भी अक्सर कहा जाता है कि वहाँ तो शारीरिक सौंदर्यता की बात की जाती है, कि कपड़ों की बात की जाती है कि बिल्कुल जितना ढकी हुई महिलाएं होंगी उतनी सुंदर दिखेंगी। इस फिल्म में कुछ अश्लील दृश्य हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? सर जैसा कि मूवी का नाम पठान रखा है और सॉन्ग इतना अश्लील आ रहा है, तो वैसा भी देखा जाए तो हमारे यहाँ इसको विरोध किया जाएगा जी। और भी हमारे साथ में साथी हैं, सभी को दिखाइए। सर जैसा कि आपने बात शुरू की है संविधान के नाम से, देश हमारा संविधान से चलता है, संविधान में मूवीज़ में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी हमारे कानून निर्माताओं ने, नीति निर्माताओं ने अपना व्यवस्था एक स्थापित की है जिसे सेंसर बोर्ड कहते हैं। सेंसर बोर्ड से पास होने के बाद जब कोई चीज़ आती है तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद सरकार में बैठे हुए लोग जो खुद सेंसर बोर्ड को अपने तरफ से जो प्रतिनिधित्व देते हैं वो लोग ऐसी बात करेंगे कि FIR करना है, ये करना है, वो करना है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में सरकार का कॉन्ट्राडिक्शन है। सेंसर बोर्ड में आप ऐसे नियम लाइए जहाँ से इस तरह की मूवी जिन्हें आप अश्लीलता बोल रहे हैं, जो भी दर्शाया जा रहा है उसे अश्लीलता अगर बोल रहे हैं तो वो सेंसर बोर्ड में पहले से ही पास नहीं होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम सौम्या श्रीवास्तव है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि दीपिका पादुकोण ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो इतना मैटर नहीं करता है। ऐसे आप पद्मावत मूवी को देखिए, उसमें भी दीपिका पादुकोण के उस मूवी को लेकर भी उस समय बॉयकॉट का ट्रेंड चला था। हमें ये देखना होगा कि मनोरंजन जो है वो सामाजिक सौम्यता का एक परिचय करता है, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अभद्रता दिखाई जा रही है मूवी में इसको कम किया जाए। यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि मूवी का एंड ये सीरियल नंबर जो भी ये फिल्म ये था बेशरम रंग, इसका किसी कलर से और किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है। बिकॉज मूवी एक एक्शन थ्रिलर है, उसमें ज़रूरी है कि ऐसे सीन्स दिखाया जाए ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। ये OTT पे रिलीज़ नहीं हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी 12 घंटे की OTT सीरीज़ नहीं है कि लोग इसे बैठ के आराम से देखें। मूवी लोग थिएटर्स में इंजॉय करने जाते हैं और बस उसी रीज़न से ये सारे एक्शन नंबर्स दिखाए जाते हैं। नहीं, फिल्म के बारे में हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन साथी से कि सारा हमारे सब युवा साथी को दिखाएं और लाइट की व्यवस्था देखें। हम ये बोल रहे हैं कि फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई जिसका विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज किसी भी कलर और किसी भी स्टेट से लोगों का ओपिनियन नहीं चेंज हो सकता है एंड सारे कम्युनिटीज अपनी तरफ से ओपिनियंस। छोटे कपड़ों पर क्या कहना है, क्या फिल्मों में छोटे कपड़े चले कोई दिक्कत नहीं उससे? सर OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी ऐसे सीरीज आते हैं जिसमें छोटे कपड़े, इनफैक्ट बहुत सारे एक्सप्लिसिट सीन्स भी दिखाए जाते हैं, बट दैट डजंट मैटर कि आप उनको कैसे कंज्यूम करें, वो मीडिया के ऊपर एंड लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लोगों के ऐसे। जैसे बिकिनी को लेकर भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी की जा रही है, तो बिकिनी का जो ट्रेंड है वो शर्मिला टैगोर के टाइम से भी हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त ये नहीं था। और अभी जिस तरह से फिल्म में गाने दिखाए जा रहे हैं, ऐसे गाने पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कलर से जोड़ के, इसको रिलीजन, इसको धर्म का उंगली जामा पहना के अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साध रही है पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हमें देखने को मिले। देखिए, कोई भी रंग कपड़े ये किसी भी सूक्ष्म बुद्धि को डिफाइन नहीं करता है, और अगर किसी भी फिल्म में या किसी भी जगह अगर ऐसे कपड़े दिखाए गए हैं या ऐसे कुछ डांस हुए हैं तो आपकी बुद्धि, आपकी सोच क्या है उस हिसाब से चीज़ें डिफाइन होंगी, किसी के कपड़े पहनने से नहीं होती हैं। तो मेरे हिसाब से इसका विरोध नहीं होना चाहिए जी। मेरा नाम अम्बिकेश्वर चतुर्वेदी है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी देश का कोई रंग नहीं होता है, किसी भी जाति का कोई रंग नहीं होता है, किसी भी धर्म का कोई रंग नहीं होता है।
तो रंग को लेकर के इस मूवी का विरोध करना बिल्कुल गलत है। हाँ, इसमें जो अश्लीलता है उसका विरोध होना चाहिए। इस मूवी के साथ साथ भी और जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो पिक्चरें आ रही हैं, जो सीरीज आ रही, रंग से धर्म का कोई मतलब नहीं है। और जो सवाल है आपका कि कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कंट्रोवर्सीज होनी ही नहीं चाहिए। जो लोग कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आई रिक्वेस्ट हिम टू जाके आप एक बार मिथोलॉजिकल बुक्स पढ़ें। रंग धर्म यदि बता रहा है तब तो सारे लोग बट के रह जाएंगे। और वो एक फिल्म है, वो एक काल्पनिक फिल्म है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी प्रिविलेजेस भी मिलने चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सीज नहीं होने, ये फालतू का ये कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। बाकी मूवी अच्छी है, जाके देखनी चाहिए। तो आपने देखा, हमारे साथ में इतने सारे स्टूडेंट थे, एक साथी और जुड़ी हुई हैं। हाल ही में पठान मूवी आई हुई है, उसमें कुछ कपड़ों को लेकर आपत्ति जताई जा रही है लोगों में। मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है हम FIR कराएंगे, तो इसमें आपको क्या लगा फिल्मों में कितनी स्वच्छंदता होनी चाहिए? देखिए, जो ये मुद्दा उठा है और ये मुद्दा मुझे मीनिंगलेस लगता है। आप अगर आप किसी धर्म के नाम पर आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो ये काफ़ी मतलब ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दिखती है कहीं ना कहीं। और फिल्मों में छोटे कपड़ों पे क्या कहना चाहेंगी आप, क्या ये आपत्तिजनक है या फिर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे? कपड़ों पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, चॉइस है हर किसी की, हर किसी को कैसे पहना वो तो उसका चॉइस है ना। आ रही हैं उन पे भी रोक लगना चाहिए, उनमें तो इससे ज़्यादा अश्लीलता दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन फिल्मों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो विरोध सबका होना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि सोच पे डिपेंड करता है। नहीं, इस मूवी के बारे में आपको सोच पे क्या है कि मतलब मूवी में कोई भी आपत्तिजनक नहीं है आपको लगता है? कलर किसी भी रिलीजन को नहीं आइडेंटिफाई करता है कि ये कलर इस रिलीजन का है। और आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं जो युवाओं ने अपनी बात करी है,